वीडियो सबसे पहले पाने के लिए देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जो भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वो आपके पास में भेज दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक वीडियो पर स्वागत है और आज मैं यहाँ पर एक फॉल्ट बताऊँगा। देखिए फॉल्ट छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनके लिए वीडियो है जो भाई फ्रेशर हैं या जिन्होंने बिना काम सीखे दुकानें खोल ली हैं और उनको प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, चाहे सैमसंग हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे कीपैड हो, चाहे किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, देखिए करना क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम है वो हम आपको बताते हैं। एक बार इस पर कॉल लगाते हैं, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस फोन से इस पर हमने कॉल जो है लगा दिया, ठीक है। अब कॉल को इसके ऊपर रिसीव करेंगे और इसका स्पीकर हम ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कि ये फ़ोन है इसके अंदर प्रॉब्लम है, या इसके अंदर ये फ़ोन तो हमारा ओके, हर फोन पर बात हो रही है, लेकिन इस फ़ोन पर हम जब भी कॉल करते हैं ये आती है, ठीक है। तो ये आप आवाज़ जो सुन रहे हैं सरसराहट की, देखिए ये सरसराहट की आवाज़ इस मोबाइल के द्वारा जा रही है इसके अंदर, ठीक है। इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो आप पूरा देखें, ठीक है, वीडियो आप पूरा देखें और अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। इसको खोलते हैं फ़ोन को, ठीक है, फ़ोन को खोलो ऐसा। तो जो भी भाई आना चाहते हैं हमारे यहाँ पे 1 जुलाई के बैच में आप आ सकते हैं, ठीक है। और आपके सीटें जो बुक हो रही हैं 30 तारीख को आना, 1 तारीख से क्लास स्टार्ट है, जहाँ पर कि आपको पूरा प्रैक्टिकली फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ पे ये माइक है हमारा, ठीक है, सब कुछ क्या ये प्रॉब्लम कहाँ से है कैसे है, तो ये चीज़ मैं आपको माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो हम कॉल करते हैं किसी के पास में, तो इस माइक से जो ना सर सर की आवाज़ आती है, चाहे कीपैड हो चाहे एंड्रॉयड हो, आपको किस तरीके से ठीक करना है। और जो भाई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन में 1 जुलाई के बैच में आने वाले छात्र अपना रूम सीट को बुक करा सकते हैं। अभी बुकिंग चल रहा है, कुछ सीटें खाली हैं। तो यहाँ पर पूरा 1 महीने का कोर्स रहेगा, रहना खाना फ्री रहेगा, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम चेक किया कि यहाँ पर इसमें से कोई भी पॉइंट हमारा नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ग्राउंड से नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये किसी ने रिपेयर किया है, यहाँ पे जो है किसी ने रिपेयर किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा अच्छे से। तो इसके बराबर में कुछ कंपोनेंट थे जो यहाँ से किसी ने तोड़ दिए। देखिए मैं माइक्रोस्कोप में जूम करके दिखा रहा हूँ आपको जो है यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके पास में ये प्रॉब्लम आती है कीपैड या एंड्रॉयड में, तो आप इसको इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चिप लेवल ट्रेनिंग के लिए आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, रहना खाना फ्री रहेगा और सबसे कम फीस है, ऑल ओवर इंडिया सबसे कम फीस है। तो यहाँ पर देखिए किसी ने कंपोनेंट तोड़ के डायरेक्ट जंपर कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत तरीका। आप जंपर पता होना चाहिए कहाँ पे लगाना चाहिए कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। तो जंपर के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे जंपर लगानी चाहिए कहाँ पे नहीं। तो इससे फॉल्ट ठीक करने की जगह आप प्रॉब्लम बढ़ा भी सकते हैं, सेट को डेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो जंपर थे मैं इसको निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए रिमूव कर दिए। अब यहाँ पर कौन से कंपोनेंट लगे थे, क्या लगे थे, वो कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर अभी स्कीमेटिक डायग्राम में। और जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं या अब जो 1 जुलाई के बैच में आना चाहते हैं, अपना सीट को बुक करा लें, ऑल ओवर इंडिया सबसे कम फीस है, पूरा प्रैक्टिकल सिखाएंगे, जो भी प्रैक्टिकल होंगे आपके हाथों से होंगे। अच्छा देखो अब यहाँ पे जो है इसको जो जंपर थे वो यहाँ से मैंने निकाल दिए। अब जंपर निकालने के बाद में इसको यहाँ पर क्लीन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्लीन कर दिया। अब यहाँ पे किस तरीके से लगाएंगे, क्या जंपर थे, अब स्कीमेटिक में आपको दिखा देते हैं एक बार। स्कीमेटिक आपको आना चाहिए पूरा अच्छे से, तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो माइक है, यहाँ पे माइक जो है इसके बराबर में जो कंपोनेंट जो हमारे टूटे हैं वो यहाँ से किसी ने निकाल के जंपर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 कॉइल लगे हुए हैं जो कि, और 2 कॉइल के बाद में 2 कैपेसिटर हैं जो कि किसी ने यहाँ से निकाल दिए हैं। तो कॉइल पर आप जंपर ना करें वो ज़्यादा ठीक है, जंपर करेंगे तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। यदि जंपर से काम हो जाता तो कंपनी कंपोनेंट क्यों लगाती है, वो सीधा एक तार अंदर से पीसीबी में सर्किट में खींच देती। तो कंपोनेंट का एक अपना रोल होता है, वो आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपोनेंट क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो कंपोनेंट किसी ने निकाल दिए हैं, अब इनको यहाँ पे वापस लगाते हैं, फिर लगाने के बाद में देखते हैं जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती है या नहीं होती। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए यहाँ पे जो कंपोनेंट है ना बहुत बारीक है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इसलिए काफ़ी बड़ा दिख रहा है, आप देखेंगे इस मॉडल में तो दिख जाएगा, बहुत छोटे पॉइंट होते हैं ये, बहुत बारीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट को सोल्ड करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं सोल्ड करने के बाद।
देखो अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो है जो ससराड आ रही थी वो नहीं आ रही, ठीक है। अब ये जो आवाज़ है किसकी है, दोनों के माइक ऑन है और स्पीकर ऑन है इस वजह से, ठीक है। लेकिन जो ससराहट थी इसको मैं अलग करता हूँ, ठीक है। जो ससराहट आ रही थी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी ससराहट जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसमें हेलो करता हूँ, देखिए हेलो, देखो हेलो, नहीं दूर से करो ना।